इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट टू बॉयज लॉ से रिलेटेड। अब इस पूरे पार्ट के अंदर हम मोस्टली ग्राफिकल पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे बॉयज लॉ से रिलेटेड। अब अगर हम बॉयज लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म्स देखें तो उसमें सबसे पहला फॉर्म हमने डिस्कस किया था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर हम प्रेशर और वन अपॉन वॉल्यूम का ग्राफ करें दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। अब यहाँ पे भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर प्रेशर और वन अपॉन वॉल्यूम का ग्राफ हो टी वन टी टू और टी थ्री टेम्परेचर पे, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर्स T3, T2 and T1। तो आपने सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। हम PV is equal to nRT अप्लाई करेंगे, तीनों में से आपने एक फैक्टर को कांस्टेंट कर देना है। लेट मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो वन अपॉन वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। तो वन अपॉन वॉल्यूम के ऊपर अगर आप पॉइंट पे प्रेशर देखोगे इस कर्व के लिए T1 टेम्परेचर के लिए, प्रेशर ये वाला है P1, T2 टेम्परेचर के स्ट्रेट लाइन के लिए देखोगे P2, T3 के लिए P3। क्लियरली y एक्सिस पे P3 इज ग्रेटर देन P2, P2 इज ग्रेटर देन P1। इट मींस अगर प्रेशर का रिलेशन टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली है कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो T3 विल बी ग्रेटर देन T2 एंड T2 विल बी ग्रेटर देन T1। तो इस वे से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब दूसरा पॉइंट है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा P by D is equal to constant जो हमने लास्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था। तो P upon D या प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट का ग्राफ प्रेशर के वर्सेस कैसा होगा? ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू दी प्रेशर एक्सिस। तो आपको तीन ग्राफ नजर आ रहे हैं, एक T1 टेम्परेचर पे, एक T2 टेम्परेचर पे, एक T3 टेम्परेचर पे। अब आपको T2, T3 और T1 में रिलेशन पता करना है। तो रिलेशन क्या होगा इस केस में? अब आप अगर आप PV is equal to nRT के अकॉर्डिंग देखोगे तो PV कांस्टेंट है कब तक? जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स भी हमने फिक्स कर रखे हैं। इट मीन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा PV की वैल्यू में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। तो इस अकॉर्डिंगली T3 इज ग्रेटर देन T2, इज T2 इज ग्रेटर देन T1। तो जैसे जैसे हाई टेम्परेचर पे प्लॉट्स होंगे वैसे वैसे PV की वैल्यू में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। तो अगर आप इस एक्सिस पे देखोगे तो PV की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, इट मींस टेम्परेचर भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम इस इक्वेशन पे लॉग अप्लाई करें तो आपके पास बनेगा लॉग P इज इक्वल टू लॉग 1 बाय B प्लस लॉग ऑफ K। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये आपके पास आ गया y, ये आपके पास x और ये आ गया आपके पास c। तो हमने y एक्सिस पे लॉग p प्लॉट किया है, x एक्सिस पे लॉग 1 अपॉन v प्लॉट किया है। तो आपके पास जो स्लोप की वैल्यू है दैट इज 1 और वो स्लोप पॉजिटिव है। इट मींस आपका जो इंटरसेप्ट है वो लॉग k है। तो ग्राफ इस तरह का होगा जिसकी स्लोप कितनी होगी? 1 होगी। इट मींस जो एंगल बनेगा आपके पास वो 45 डिग्री बनेगा। तो जो इंटरसेप्ट होगा वो आपके पास क्या होगा? लॉग k, क्योंकि tan 45 आपके पास 1 है उसकी वैल्यू। तो ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन होगा विद इंटरसेप्ट लॉग के और स्लोप होगी पॉजिटिव, और स्लोप जो आप कैलकुलेट करोगे tan 45 से आपके पास आएगी 1 यूनिट। अगर यही प्लॉट आप लॉग पी वर्सेस लॉग बी करोगे तो यहाँ से अगर लॉग बी की वैल्यू देखोगे तो 1 अपॉन v था। अगर इससे लॉग बी लिखेंगे तो इसके साथ साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इट मीन्स अब स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। इंटरसेप्ट क्या रहेगा? लॉग के। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा बट विद नेगेटिव स्लोप होगा इस केस में, और इंटरसेप्ट कितना रहेगा आपका? लॉग के। तो ये आपके पास ग्राफिकल पॉइंट है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है भी अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीवी का प्लॉट देखें प्रेशर के साथ, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी इस ग्राफ के अंदर जो आपके पास प्लॉट आ रहा है उसकी स्लोप कितनी होगी? अब देखो ग्राफ है जो वो पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस बन रहा है, इट मीन इस केस में स्लोप कितनी होगी? 0। ग्राफ है वो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, इट मींस स्लोप क्या होगी? 0 होगी। तो ये हमने डिस्कस किए हैं ग्राफिकल पॉइंट्स किसके बारे में? बॉयल्स लॉ के बारे में। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद बॉयल्स लॉ।